17 साल से तो बात नहीं हुआ, जाना आना भी नहीं है, इसीलिए उसे हम देखे भी नहीं बहुत साल से, झगड़ा वगैरह, क्योंकि वो उसे यहाँ तो रहता ही नहीं था, मतलब हम जब भी बाहर गए कभी देखे ही नहीं उनको। पुलिस का जॉब था तो कभी डे होता कभी नाइट होता, तो एकदम उसे बने पाड़ा में हम देखते ही नहीं। अगर किया है तो सरकार आइन जो सजा देगा मंजूर है, क्योंकि जो किया अगर किया है तो बहुत गलत किया है, तो बहुत गलत काम किया है ना एक लड़की के साथ। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई दरिंदगी को लेकर पूरा देश आक्रोश में है, जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीआई भी इस मामले की तेजी से जांच कर रही है और कई बड़े खुलासे किए हैं। इस बीच इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय की बड़ी बहन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि उसे जो भी सजा मिलेगी वो हमें स्वीकार है। संजय रॉय की बहन ने इस जघन्य हत्याकांड पर बोलते हुए कहा कि पिछले 17 साल से वो उससे नहीं मिला, ना ही उससे कोई संपर्क है। बहन ने कहा कि उसकी कोई भी बातचीत नहीं हुई है, कोई आना जाना नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत साल से उसे देखा भी नहीं है। इसके साथ ही संजय रॉय की बहन ने बड़ा खुलासा किया है कि मेरी शादी के लिए पिताजी राजी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि अगर ये शादी होती है तो वो कोई संबंध नहीं रखेंगे, इसलिए उसके बाद से कोई रिश्ता नहीं रहा। बहन ने ये भी कहा कि वो सिविक स्वयं सेवक में था, इसलिए कभी उसके दिन की शिफ्ट होती थी कभी रात की, इसलिए मैंने उसे कभी नहीं देखा। अब सुनिए संजय रॉय की बहन का पूरा बयान। संजय के ऊपर रेप और मर्डर का आरोप लगा है, आज वो जेल चले गए हैं। आपको क्या लगता है कि आपका भाई, छोटा भाई जो था, अकेला ही भाई था ना आपका वो, हाँ, तो वो क्या ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए 17 साल से तो बात नहीं हुआ, जाना आना भी नहीं है, इसीलिए उसे हम देखे भी नहीं बहुत साल से, तो इसीलिए तो कुछ बोल नहीं पा रही हूँ ना। क्या वजह थी कि आपका रिश्ता उससे टूटा? नहीं, वो ये शादी में पापा राजी नहीं थे, तो बोले थे अगर शादी होता है तो वो रिलेशन नहीं रखेंगे, तो उसके बाद कोई रिलेशन था नहीं, उन लोग भी कभी नहीं आए, मेरे भी कभी जाना नहीं हुआ। आपका घर अपने माँ के घर से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो कभी तो सुना होगा, और ये तो बहुत बड़ी खबर थी जबकि आपके भाई को लेकर थी, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर 17 साल आपको उसे छोड़े हो गया है तो 10 साल तक आप उसके साथ भी रही, आपका भाई कभी ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए छोटा में तो जब छोटा था ऐसे ही नॉर्मल था, सब बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही था, ऐसा तो कुछ हम कभी देखे नहीं। अभी इतना 17 साल हो गया, इतना साल से उसे देखे नहीं है, तो कैसे बताऊं, बोलिए ना, कभी तो उसके पास गए भी नहीं, कोई बात भी नहीं किए हैं। जैसे आस पड़ोस से ही आपको उसके बारे में जानकारी मिलती थी, तो क्या कभी ये सुनने में आया कि संजय का किसी के साथ झगड़ा हुआ या कुछ ऐसा? नहीं, ये सब कभी नहीं सुने, झगड़ा वगैरह, क्योंकि वो उसे यहाँ तो रहता ही नहीं था, मतलब हम जब भी बाहर गए कभी देखे ही नहीं उनको। वो जॉब, हाँ जॉब, पुलिस का जॉब था तो कभी डे होता कभी नाइट होता, तो एकदम उसे बने पाड़ा में हम देखते ही नहीं। ऐसे भी किसी से कुछ सुने भी नहीं कि झगड़ा किया ये किया, कभी सुने भी नहीं। तो अभी अगर एक बहन के तौर पर आप क्या बोलती हैं कि आपका भाई अगर ऐसा कुछ किया है या नहीं, मामला विचाराधीन? देखिए अभी तो ये मुझे भी नहीं पता ना वो किया या नहीं किया, अगर किया है तो सरकार आइन जो सजा देगा मंजूर है, क्योंकि जो किया अगर किया है तो बहुत गलत किया है, तो बहुत गलत काम किया है ना एक लड़की के साथ। आपको बता दें इससे पहले संजय रॉय की मां ने भी इस जघन्य अपराध को लेकर अपने बेटे पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा था कि उसे फांसी हो जाए या जो भी हो उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें इस मामले में संजय रॉय को कोर्ट ने 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा है और सीबीआई संजय रॉय की पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने वाली है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।